हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने नन्हे मुन्ने को नहलाने के बाद उसके फेस पर क्या लगाएं, उसके बॉडी पर क्या लगाएं। देखिए, जब हम अपने बच्चे को नहलाने से पहले तो हम उसकी अच्छे से मालिश कर देते हैं, लेकिन मालिश करने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे को क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चे की त्वचा के लिए क्या सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि मेरे जो बेबी है उसकी स्किन खिली खिली रहती है, कोई ड्राइनेस नहीं रहती, कोई रैसेज या पिंपल जैसी चीज़ें मेरे बच्चे के फेस पे नहीं है। तो वही चीज़ें यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके बच्चे का रंग तो साफ होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके बच्चे के चेहरे की नमी बनी रहेगी और डे बाई डे आपके बच्चे की स्किन का रंग खिलता हुआ नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है 0 से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को हम फेस पर क्या लगा सकते हैं। उसके बाद तो हम अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो मार्केट में आजकल बच्चों के लिए अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन छोटे बच्चों की जब बात आती है, स्पेशली 0 से लेकर 6 मंथ तक के बेबी या 0 से लेकर 1 ईयर तक के बेबी के लिए, कि उनके फेस पर हम ऐसा क्या अप्लाई लगाएं, क्योंकि छोटे बच्चों की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो कुछ भी हम कोई भी प्रोडक्ट किसी के कहने पर या किसी ने हमें बताया, सजेस्ट किया, हम अपने बच्चे की स्किन पर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि कहीं पर भी बच्चे के दाने निकल आ सकते हैं या पैच पड़ सकते हैं या एलर्जी हो सकती है। तो सबसे अच्छा है कि नेचुरल चीज़ें ही हम इस्तेमाल करें। उनसे क्या होता है कि बच्चे को कोई भी रैशेस नहीं होते, किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होती। जो पर्सनली मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ करती हूँ और करती आ रही हूँ, तो आप सीज़न के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें अपने बच्चे पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कौन सी चीज़ें मैं रेगुलरली अपने बेबी को लगाती हूँ जिससे उसकी स्किन इतनी ग्लोइंग है और अच्छी है। मेरी बेबी का जो कलर है लाइक हम पेरेंट्स पर ही गया है, ऐसा नहीं है वो अलग हो, लेकिन हाँ मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल करी है उससे उसका कलर इम्प्रूव हुआ है। जैसा पहले था उसके अकॉर्डिंग अब उसका कलर इम्प्रूव हुआ है। कुछ इमेजेस मैं शेयर करूँगी उसकी, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कितना फ़ायदेमंद है। तो आप भी वही चीज़ें अपने बच्चे के साथ करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब मैं अपने बच्चे को मसाज दे देती हूँ, तो मसाज करने के बाद जब बच्चा नहा लेता है, आप इसको नहाने से पहले भी लगा सकते हैं, नहाने के बाद, या आपका बेबी सोने वाला हो तब आप ये किसी भी टाइम लगा सकती हैं, ठीक है। तो जो मैं बताने जा रही हूँ कच्चे दूध के बारे में, कच्चा दूध बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, आपके बच्चे की स्किन को इतना मॉइस्चराइज करता है। जैसे सर्दियों के समय क्या होता है कि बच्चे की जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इतनी ड्राई हो जाती है कि आपने देखा होगा हल्की हल्की ड्राइनेस उसके लिप्स के पास और उसके ये आँखों के पास, नोज पर, फोरहेड पर, आईब्रोज में भी पपड़ी पपड़ी सी उछलती हुई आपको नज़र आएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे बिफोर बाथ या आफ्टर बाथ या सोने से पहले या किसी भी टाइम कच्चा दूध आप अपने बच्चे के फेस पर अच्छे से मल दें, मसाज कर दें। और बहुत ही जो नेचुरल क्लींजर का काम करता है, कच्चा दूध नेचुरल क्लींजर का काम करता है और इतनी अच्छी स्किन बना देता है। साथ ही साथ जो भी मैल है, गंदगी है या ड्राई पपड़ी है, गंदी खाल है, उसको भी ये निकाल देता है। जब बच्चा छोटा होता है तो काफ़ी कम से कम 1-2 महीने तक डेड स्किन निकलती रहती है बच्चे की, जो पेट की होती है, कहते हैं ना पेट का है वो सर में क्रेडल कैप होती है, इसे फेस पर भी पूरी बॉडी पर डेड स्किन होती है जो कि निकलती नहीं है। आप कितना भी बच्चे की स्किन को आप खुर्च नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर कच्चा दूध फेस के अलावा ऑल ओवर बॉडी पर भी उसके दूध से मसाज करते हैं तो पूरी डेड स्किन उसकी बॉडी की निकल जाएगी और शरीर में चमक आएगी। साथ ही साथ जो बच्चे का हल्का कालापन है या जो भी है या मैल है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया नेचुरल क्लींजर का काम करता है दूध और बॉडी को मॉइस्चराइज बनाता है। तो कच्चा दूध आप रेगुलर लगाएं, आपको मिल जाए तो आप कच्चा दूध रेगुलर लगा सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको लगा के ज़रूर देखिएगा।
दूसरे बात करते हैं मलाई। मलाई भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, जैसे दूध होता है वैसे मलाई। सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि बच्चे के होंठ क्रैक हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि क्या लगाएं जिससे हमारे बच्चे के होंठ एकदम मुलायम और अच्छे बने रहें। बच्चे की नोज फट जाती है, आपने देखा होगा एकदम जो चीक्स हैं वो फट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं और टच करने पर भी बच्चे रोने लगते हैं। इतनी जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो बच्चे की जो गाल फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आप, जैसे दूध हमने निकाल दिया, दूध को तो आपको धोना पड़ेगा, हल्के गुनगुने पानी से आपने दूध निकाल दिया, उसके बाद आप अपने बच्चे के चेहरे पर मलाई लगा सकते हैं। मलाई मसाज कर दीजिए, अच्छे से रब कर दीजिए बच्चे के हाथ पैरों पर, बच्चे के फेस पर, होंठ पर। मलाई निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और ना ही आपको बच्चा चिपचिपा रहेगा, क्योंकि दूध जब हम कच्चा दूध यूज़ करते हैं, रॉ मिल्क यूज़ करते हैं, तो उससे बॉडी थोड़ी चिपचिपी हो जाती है, तो हम उसे लगाकर छोड़ नहीं सकते, वो आपको हल्के गुनगुने पानी से निकालना पड़ेगा। बट आप मलाई को लगाकर छोड़ सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें नमी होती है, सॉफ्ट बना के रखती है, जितने भी क्रैक बच्चे के लिप्स पर या होंठ पर या चीक्स पर आ जाते हैं वो सारे फुलफिल कर देती है। तो मलाई भी बहुत अच्छी होती है, इसे आप किसी भी टाइम कभी भी लगा सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसन की। जी हाँ, बेसन भी बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चे को साबुन से नहीं नहला सकते, छोटे बेबी सोप भी आप ले लीजिए, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे के स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। कैसा भी क्या आप बेबी सोप ले लीजिए, तो आप चाहते हैं कि अपने बच्चे को सोप से बचाना चाहती हैं, तो यहाँ पर आप बेसन ले सकती हैं। बेसन में चुटकी भर आप हल्दी मिला सकती हैं, क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुड़ होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल हल्दी में गुड़ होते हैं। तो ये किसी भी प्रकार की जो स्किन प्रॉब्लम है उनके लिए हल्दी बहुत अच्छी होती है। तो जब आप इसको, हल्दी को, बेसन को कब यूज़ कर सकते हैं, ये आप बच्चे को नहलाने से पहले यूज़ कर सकती हैं। उसका पतला पतला लेप बनाइए, और लेप बनाने के बाद हल्दी और बेसन का बच्चे के पूरी बॉडी पे लगा दीजिए। फिर जिस तरीके से हम मेल्फ बॉडी पर से निकालते हैं, उस तरीके से रब करके आप बॉडी पे से, बच्चे के फेस पे से उसको निकाल दीजिए। बेसन को और हल्दी को आप दूध में, कच्चा दूध लीजिए, कच्चे दूध में मिलाकर उसका लेप बनाकर बच्चे के बॉडी पे लगाइए, जिसमें जो दूध होगा वो मॉइस्चराइजर का काम करेगा, और जो बेसन और हल्दी है ये दोनों ही आपके बच्चे के कलर को निखारेंगे। ये कलर को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, और ये नेचुरल साबुन से ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं, नेचुरल होते हैं। तो इस तरीके से बेसन, हल्दी और कच्चे दूध को मिलाकर उसका लेप बनाकर बच्चे की बॉडी पर आराम से, जब बच्चे की मसाज हो जाए उसके बाद आप इसको लगाकर उसको अच्छे तरह से रगड़ दें, फिर उसको बाथ दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अपनी बेबी की स्किन पर कुछ भी खास चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा मैल गंदगी निकल जाती है और बॉडी में स्किन पर मॉइस्चराइजर भी बना रहता है। तो उस तरीके से आप बेसन और हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही साथ जब बच्चा नहा लिया है, अच्छी तरीके से साफ हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी बच्चे की रफ स्किन है और आपको कुछ मॉइस्चर लगाने की ज़रूरत है, तो या तो आप ऑलिव ऑयल ले सकती हैं या फिर आप कोकोनट ऑयल ले सकती हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए। कोकोनट ऑयल से किसी भी प्रकार की फेस पर, आईब्रोज में या फोरहेड पर या हेड में क्रेडल कैप है वो इजीली निकल जाती है, तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। या फिर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो सबसे बेस्ट है, ऑलिव ऑयल कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, जो यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों का रंग बहुत ज़्यादा डार्क होता है, काला हो या गोरा, बच्चे अपने ही होते हैं, जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा सुंदर हो, गोरा हो, गोल मटोल हो, नेचुरल सी बात है। तो कोई भी बच्चा अपना जो रंग पाता है वो अपने पेरेंट्स से पाता है, जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से पाता है। जैसे ही माँ बाप का रंग होगा वैसे ही बच्चे का रंग होता है। हाँ, थोड़े से रंगत को सुधारा जा सकता है, थोड़े से कलर को क्लियर किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, लेकिन आप सोचो कि बहुत ज़्यादा बच्चा गोरा हो जाएगा, एकदम वाइट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा आपका कलर है वैसा ही बच्चा आपका पाएगा, ठीक है। तो जो मैंने इसमें आपको चीज़ें बताई हैं, मलाई है, कच्चा दूध है, बेसन है, हल्दी है, या फिर जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपका बच्चा नहा चुका है, आपने नहला दिया, आपको नीड है आपके बेबी की बॉडी पर कुछ मॉइस्चर लगाने के लिए, तो आप पूरी बॉडी पर ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल अच्छे से मल दें, वो भी बच्चे को एक अच्छा मीन्स मॉइस्चराइज करता है, नमी बनाए रखता है, और जो स्किन को, बच्चे की स्किन को क्लियर करता है, साफ करता है, निखारता है।
तो माय डियर पेरेंट्स, आई होप यहाँ पर आपके ये डाउट क्लियर हुए होंगे कि हमें अपने छोटे बच्चे को स्किन पर क्या लगाना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चे के अप्लाई कर सकती हैं। आप यकीन मानिए, आपको बहुत बिग चेंज आपके बच्चे के स्किन में नज़र आएगा। लेकिन आपको ये रेगुलरली करना, ऐसा नहीं कुछ दिन क्या को फिर छोड़ दिया। आप बेसन और हल्दी वाला डेली कर सकते हैं, कच्चा दूध वाला डेली कर सकते हैं, मलाई वाला भी डेली कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर पेरेंट्स, डियर मोमीज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।